So guys, अभी अभी डिलीवर हुआ मेरे पास ये अमेजोन का मिस्ट्री बॉक्स। क्या ये फोन मैंने अपनी यूट्यूब मनी से लिया है। बद्रीनाथ धाम में लैंडस्लाइड हुई है, बहुत ही तगड़ी वाली। सामने का नजारा देख रहे हो, कितना खतरनाक व्यू मिल रहा है सामने का। भाई मैंने आपको बताया था ना गोली बाजे, देखो आपके सामने कॉल लगाई है। आधा घंटे पहले ऐसा लग रहा था बारिश रुकेगी नहीं अब। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। सो गाइस अभी अभी डिलीवर हुआ मेरे पास ये अमेजोन का मिस्ट्री बॉक्स, इसमें क्या है चलो खोल के देखते हैं। गाइस मजाक कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने मंगाया हुआ अपने गोप्रो के लिए माइक। सेम माइक मैंने 2 महीने पहले मंगाया था, क्योंकि पिछला वाला जो मेरा माइक था वो थोड़ी सी दिक्कत करता था। अब इतनी जल्दी दोबारा माइक मंगाने की जरूरत क्यों पड़ी वो बताता हूँ। जब हम लोग गए थे देहरादून वाली राइड पे, जब हम लोग वापस लौट रहे थे देहरादून से, लौटते टाइम हम लोगों ने हरिद्वार से लेके कासिन तक हम लोगों ने रेन में राइड की थी। माइक थोड़ा सा खराब हो गया, उसके बाद से काफी सारी दिक्कतें आ रही है। कभी कभी भाई आवाज गायब हो जाती है। अब मैं कंफर्म नहीं हूँ कि माइक की दिक्कत है या फिर गोप्रो के एडाप्टर की भी दिक्कत हो सकती है। तो मैंने पहले माइक मंगाया, इसको लगा के देखते हैं, अगर वो दिक्कत सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर हमें एडाप्टर भी चेंज करना पड़ेगा। देहरादून वाली राइड में भाई अपना 1000 रुपए का फटका लग चुका है। ये जो माइक है ये 1000 रुपए का आया है, और पिछला वाला माइक मैंने भाई 2 महीने पहले ही मंगाया था, मतलब 2 महीने भी मैंने उसको ठीक से यूज नहीं कर पाया। तो अभी फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स। शिवम भाई आए हुए हैं भाई, तो शिवम भाई से अनबॉक्स करवाते हैं। ये लो भाई बाइक की की से भाई अनबॉक्स कर रहे हैं हर बार की तरह। भाई आपको संगीत सुनने को मिल रहा होगा, क्योंकि यार अभी ना इलेक्शंस हैं यहाँ पे। भाई सुबह से लेके शाम तक ऐसे ई रिक्शा घूमते रहते हैं चुनावी प्रचार के लिए। सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, रात के 9-10 बजे तक रहते ही रहते हैं। मजा आ रहा है भाई संगीत सुनने में। तो भाई जो मैंने माइक मंगाए हुए इस ब्रांड का है एलफॉग भाई, ये ना काफी सही माइक है। अगर आपके पास गोप्रो है और आपको अगर बजट में माइक चाहिए, मतलब 1000-1200 रुपए, लास्ट टाइम जब मैंने मंगाया था तो मंगाया था 1050 का, अभी जब मैंने मंगाया तो ये था शायद 1070 का। तो काफी सही साउंड आती है। इससे पहले जो मेरे पास माइक था वो मैं यूज कर रहा था भाई कोई 250 रुपए का माइक था। ऐसे यार वो वाला माइक भी ठीक है, लेकिन हाई स्पीड में ना उसमें साउंड बहुत ज्यादा फटती है। तो भाई अगर ब्लॉग में आपकी साउंड बेकार हो रही है तो मजा नहीं आता, आपको भी मजा नहीं आता, मुझे भी मजा नहीं आता। अभी आपने देखा भी होगा रिसेंट के कुछ ब्लॉग में कहीं की साउंड चली जाती है, बहुत कम साउंड आती, तो यार वो माइक की वजह से दिक्कत हो रही थी। अचानक से साउंड गायब हो जाती है, फिर अचानक से आ जाती है, तो ऐसा कुछ सीन चल रहा था। अभी 3-4 दिन पहले क्या हुआ यार, काफी सारी क्लिप्स उड़ गई, मतलब काफी सारी क्लिप्स में साउंड ही नहीं आई। तो यार मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, फिर मैंने माइक ऑर्डर कर दिया। अभी यार मैं पूरा श्योर भी नहीं हूँ कि माइक की दिक्कत है, अभी इसको लगा के 1-2 दिन यूज करते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं कि माइक की दिक्कत है फिर गोप्रो के अडैप्टर की दिक्कत है। सो गाइस अपनी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा और इंप्रूव करने के लिए मैंने एक चीज और अपग्रेड करी है। ऑडियो तो अपनी अपग्रेड हो चुकी है, ऑडियो के साथ साथ हमने सोचा कि वीडियो क्वालिटी भी थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया जाए, तो हमने अपने कैमरे को भी थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया है। कैमरे से मतलब हमने फोन के कैमरे को इंप्रूव कर दिया है। जब मैं मोटो ब्लॉग करता हूँ तो गोप्रो यूज करता हूँ, जब मैं मोटो ब्लॉग नहीं करता हूँ तो उस टाइम पे मैं यूज करता हूँ अपने फोन का कैमरा। अभी जो मैं फोन यूज कर रहा था वो था iPhone 12 mini। फोन को चेंज करने के पीछे 2-3 रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है वो इसकी बैटरी लाइफ, छोटा फोन है तो बैटरी भी छोटी है, तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं बैटरी बैकअप से मैं थोड़ा सा परेशान रहता हूँ। कभी कभी क्या होता है फोन डाउन पड़ा होता है, उस टाइम पे मुझे ब्लॉग करना होता है, तो उस टाइम पे मुझे गोप्रो से ब्लॉग शूट करना पड़ता है, क्योंकि यार पावर बैंक लगा के ऐसे ब्लॉग नहीं कर सकते। पहला बैटरी लाइफ, दूसरा हो गया भाई स्टोरेज। अभी जो मेरे पास फोन था इसमें 64GB का स्टोरेज था, तो स्टोरेज की भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। वीडियो क्वालिटी इतना ज्यादा मैटर नहीं करी थी, 12 मिनी से भी यार काफी अच्छी वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है, मतलब मैं उससे फुली सेटिस्फाइड था। फिर मैंने सोचा कि जब अपग्रेड कर ही रहे हैं तो ऐसा फोन मिल जाए जिसमें हमें वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी सी इंप्रूव मिल जाए। अभी एक और दिक्कत आती थी, जैसे मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और मुझे कुछ चीज आपको जूम करके दिखानी है, इस फोन में टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो जूम करते टाइम यार क्वालिटी थोड़ी सी बिगड़ जाती थी, मतलब वीडियो थोड़ा सा जूम होके फट जाता था। तो भाई इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए हम अपग्रेड हो चुके हैं भाई प्रो पे। इसमें हमें बैटरी लाइफ भी अच्छी मिल जाएगी, वीडियो क्वालिटी भी अपनी इंप्रूव हो जाएगी, और हमें एक कैमरा और मिल जाएगा जिससे हम जूम करके फुटेजेस ले सकते हैं। ये तो भाई पहले से ही प्रो है, इनके पास तो पहले से ही प्रो था। शिवम भाई के फोन से ये भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। भाई मैक्स वाले लड़कों पे अलग ही एटीट्यूड होता है, अगर उनके फोन को प्रो कह दो ना तो कहते हैं प्रो नहीं भाई प्रो मैक्स। भाई मैक्स के 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए मैंने। ओ भाई मैक्स इतना घटिया फोन लगता है मेरे को, सच बता रहा हूँ भाई, बहुत बहुत घटिया फोन लगता है, बहुत बाहियात फोन है भाई। मैक्स का ना वेट बहुत ज्यादा है और साइज भी बहुत ज्यादा है। वेट से तो यार मेरे को तो किसी चीज से इशू नहीं है, वेट वेट कुछ भी भाई भाई बहुत भारी लगता है, ऐसा लगता है आपने ईट उठाई हुई है भाई। वो सेफ्टी के लिए भी बढ़िया है, अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो यूं टेढ़ा करके मार दो। मैक्स और प्रो में यार कोई भी मतलब अलग फीचर्स नहीं है, मतलब दोनों सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा स्क्रीन साइज बड़ा हो जाता है और बैटरी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है, तो बहुत ज्यादा मिलती है भाई, कह रहा है बहुत ज्यादा बैटरी लाइफ मिलती है भाई। मेरे को ना सबसे बढ़िया साइज लगता है ये मिनी का। अगर मिनी में भाई कोई प्रो जैसा सिस्टम होता ना कि एक कैमरा और मिल जाए और बैटरी लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए, तो मैं मिनी पे ही जाता, क्योंकि यार इसका साइज देखो, वन हैंड आप इजीली यूज कर सकते हो, प्रो थोड़ा सा इससे हल्का सा बड़ा है, ये देखो इतना इतना डिफरेंस आता है इन दोनों में।
हल्का सा ही डिफरेंस है भाई। अब तो एप्पल ने मिनी सीरीज बंद ही कर दी है, मतलब 14 के बाद अब मिनी फोन्स नहीं मिल रहे भाई। मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ एप्पल की मिनी सीरीज का, मुझे छोटे फोन्स बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अब मजबूरी में अपग्रेड करना पड़ा क्योंकि बैटरी लाइफ चाहिए और थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव चाहिए। तो जब भी मैं कोई चीज खरीदता हूँ काफी सारे लोगों के मन में कुछ डाउट्स होते हैं कि क्या आपने ये चीज यूट्यूब मनी से ली है। तो अभी भी कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या ये फोन मैंने अपनी यूट्यूब मनी से लिया है। बताओ भाई। यस भाई यस, झूठ बोल रहा है गाइस। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता भाई। भाई चुनावी प्रचार के लिए ई रिक्शा फिर से आ चुका है, फ्री का संगीत सुनने को मिल रहा है। मैं सीरियसली गाइस, ये जो चीजें मैं खरीदता हूँ ये यूट्यूब मनी से नहीं है भाई। अभी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा कि मैं ये सारी चीजें यूट्यूब से ले पाऊँ। और गाइस ये जो मैंने फोन लिया ये भी प्री ओन्ड है क्योंकि नई के लिए अभी इतना बजट नहीं है। आई होप गाइस आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ये जो चीजें हैं यूट्यूब मनी से नहीं है। बाकी यार मैं अपना ये पुराना वाला फोन 12 मिनी मैं इसको सेल आउट करने का सोच रहा हूँ, तो जो बंदा भी इंटरेस्टेड हो 12 मिनी लेने में तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। बाकी यार लास्ट वाले ब्लॉग में दो बंदों ने कमेंट किया था कि भाई केदारनाथ ट्रिप का क्या हुआ, आपने कोई अपडेट नहीं दी। तो यार केदारनाथ ट्रिप का सीन ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं इसी और रजिस्ट्रेशन अभी तक क्लोज है। पहले ऐसी न्यूज आ रही थी कि 7 मई को रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, लेकिन भाई 7 तारीख हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, विदाउट रजिस्ट्रेशन जा नहीं सकते। यही सीन पड़ा हुआ है, जैसे रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं भाई वैसे हम लोग प्लान करते हैं। और अभी अभी आपने भी न्यूज सुनी होगी बद्रीनाथ धाम में लैंडस्लाइड हुई है बहुत ही तगड़ी वाली। यात्री ध्यान दें, केदारनाथ बद्रीनाथ का रास्ता बिल्कुल बंद है, आगे ऊपर ज्यादा बर्फबारी हो रही है तो ऊपर जाने के लिए रास्ता बंद हो चुका है, सभी यहीं से वापस जाए। तो मुझे भी फिलहाल के लिए नहीं लग रहा कि रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाले हैं 10-15 दिनों के लिए। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यार हम लोग केदारनाथ की ट्रिप को थोड़ा सा होल्ड कर लें, मतलब इस महीने के लास्ट में या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में करें और फिलहाल के लिए हम लोग कोई नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर लें। क्या बोलते हो शम भाई? अभी जाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ गाइस थोड़ा सा रिस्क भी है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है तो जा नहीं सकते। अभी हम लोग सोच रहे हैं कोई 300-400 किलोमीटर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें कहाँ की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। 400 किलोमीटर के अप्रोक्स आप लोग बता सकते हैं और जिस भी लोकेशन के ज्यादा कमेंट होंगे हम लोग वहीं की ट्रिप प्लान करते हैं। वही टाइम हो रहा है अभी 5:37। हम लोग राइड पे जाने के लिए हेलमेट वेलमेट लगा के मैं निकला, बाइक देखो रेडी है, गंदी हुई पड़ी है क्योंकि सुबह सुबह अभी बारिश हुई थी तो बाइक सुबह से यहीं पे खड़ी हुई है, तो बाइक की हालत कुछ ऐसी है। और जैसे हम लोग निकले वैसे ही देखो बारिश आ गई। शिवम भाई भी रेडी है हेलमेट लेके। इतनी बारिश होती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बारिश हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भाई गोप्रो वगैरह भीग जाते हैं तो फिर आपको बताइए फिर थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। तो अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, अगर बारिश रुक जाए तो फिर उसके बाद राइड पे जाएं, नहीं तो फिर आज की राइड कैंसिल करनी पड़ेगी। सो गाइस टाइम हो रहा है 6:30। आधा घंटे पहले भाई बारिश वाला मौसम हो रहा था और अब देखो कितनी तेज फिर से धूप निकल आई है 6:30। सामने का नजारा देख रहे हो भाई, कितना खतरनाक व्यू मिल रहा है सामने का। हम दोनों निकले हुए राइड पे, आज शिवम भाई आए अपनी इनफील्ड से। भाई डोमिनार कहाँ गई भाई? यार डोमिनार गायब है। देखो हम नॉन स्टॉप आर्यांश भाई को कॉल कर रहे हैं, आर्यांश भाई ने कहा था 6 बजे मिलूंगा पक्का। गोली बाजे को हेलो चले भाई, मैंने आपको बताया था ना गोली बाजे, देखो आपके सामने कॉल लगाई हम लोगों ने, अभी भी कह रहा हम नहीं जा रहा। भाई देखो ये लड़का ऐसे ही कर देता है, पहले बोल देता है चलूंगा उसके बाद एंड टाइम पे मना कर देता है। भाई मौसम काफी ठंडा ठंडा सा हो गया है। भाई व्यू चेक करो यार, कितना खतरनाक व्यू है यार आगे का। भैया खुश हो गए फायर शॉट सुन के। भाई कितने प्यारे फायर शॉट्स आ रहे हैं अभी। भाई शिवम काफी पीछे रह चुका है तो अभी मैं रुका हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ। बाकी यार आप लोग व्यू चेक करो भाई, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। भाई देख रहे हो बादल के बीच में से रेज निकल के आ रही है, वो भाई बहुत तगड़ी लग रही है। भाई अभी देखना सारे लोग ऐसे पीछे मुड़ के देखेंगे, भाई फायर शॉट्स ही नहीं आ रहे। भाई रिएक्शन देख रहे हैं सारे लोगों के।
भाई देखो पानी का लेवल कितना ज्यादा बढ़ चुका है। 3-4 दिन पहले काफी कम था, हर मिनट व्यू बदल रहा है, कुछ ना कुछ अलग ही व्यू मिल रहा है देखने को। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी तो सूर्य देव तक देख नहीं रहे थे भाई, अभी देख रहे हो आधा घंटे पहले क्या माहौल हो गया था, पूरा बारिश का, एकदम काले काले बादल हो गए थे। अभी देख रहे हो किधर भी काले काले बादल ही देख रहे, ऐसा लग रहा है कितना प्यारा मौसम है। आधा घंटे पहले ऐसा लग रहा था बारिश रुकेगी नहीं। अब सुबह ही सनसेट हो चुका है और हम लोग भी निकल रहे हैं क्योंकि जियो के सर्विस सेंटर भी काम है और उसकी टाइमिंग कुछ पता भी नहीं है तो बंद ना हो जाए। ओ भाई मैं ये क्या देख रहा हूँ, आज तो ई रिक्शा भी है यहाँ पे। ऐसे कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, निकल जाएगी। चलो बढ़िया भाई, अपने अपने अलग अलग शौक हैं, अलग अलग मिजाज है। भाई शेमो अभी वहाँ से आ नहीं पाया, शायद बाइक लग गई भाई ई रिक्शा में। क्या हो गया, निकल नहीं पाई क्या, निकल नहीं पा रही थी। भाई जियो का सर्विस सेंटर तो क्लोज है आज, काम बन नहीं पाया अपना, कल फिर से आना पड़ेगा। ये देखो भाई रॉन्ग साइड ले जा रहे हैं, अगर कोई इधर से ओवरटेक करे तो भाई सीधा उसमें जाके घुस जाएगा।